एक्टर बनने से पहले मुंबई पुलिस में तैनात थे राजकुमार। दमदार एक्टिंग ने जीता दिल, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तिरंगा फिल्म का ये डायलॉग कौन भूल सकता है। कुछ ऐसे ही और भी मशहूर डायलॉग्स के लिए अमिट छाप छोड़ने वाले एक्टर राजकुमार अपनी दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए आज भी अलग रुतबा रखते हैं। आज ही के दिन 8 अक्टूबर को राजकुमार का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम कुलभूषण नाथ पंडित रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वे राजकुमार नाम से मशहूर हुए। आइए इस खास दिन पर उनके बारे में चर्चा करें। राजकुमार अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता थे। उनकी दमदार आवाज किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी, साथ ही उस आवाज में अपने डायलॉग्स कहना सोने पे सुहागा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले राजकुमार पुलिस में तैनात थे। राजकुमार मुंबई पुलिस में बतौर IAS सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। यह 1940 के समय की बात है। फिर वक्त बदला और उनका मन भी बदला और उन्होंने फिल्म लाइन की ओर अपना रास्ता ही बदल लिया। इन फिल्मों में किया कमाल। साल 1952 में उन्होंने फिल्म रंगीली से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिर 3 साल के बाद उन्हें अपनी दूसरी फिल्म घमंड मिली। इसके बाद 1957 में राजकुमार मदर इंडिया में नजर आए। इस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। धीरे धीरे फिल्मों का यह काफिला आगे बढ़ता गया और हीर रांझा, पाकीज़ा, हिंदुस्तान की कसम, बुलंदी, धर्मकांटा जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डायलॉग से वे दर्शकों का दिल जीते रहे। दिल एक मंदिर फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।